तो एडवांस एक्सेल की फॉर्मूला क्लासेस में हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम कैलकुलेशन की। हमने प्रीवियस क्लासेस में डेट कैलकुलेशन कर लिया था, अब हम बात करेंगे टाइम कैलकुलेशन की कि टाइम की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जा सकती है। तो टाइम कैलकुलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एक्सेल पे टाइम कैसे लिखें। देखिए, टाइम लिखने के लिए कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि आप टाइम DD YY जैसे आवर मिनट सेकंड करें, ठीक है। टाइम लिखने का सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे आवर लिखें, मिनट मिनट लिखें और सेकंड लिखें, ऑटोमेटिक एंटर मार देता है आपका टाइम आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिखते हैं तो AM PM के ध्यान रखिएगा। जैसे हमने 10:30 लिया तो ऑटोमेटिकली AM ले लिया, बट मान लीजिए कि PM है तो आपको स्पेस करके PM लिखना पड़ेगा, तब जाके वो PM में आएगा। या फिर आप डायरेक्ट 24 आवर वाला पैटर्न अपना लीजिए तो फिर आपका दिक्कत नहीं। अब टाइम में से मुझे अगर स्ट्रेक करना हो, जैसे कि आवर स्ट्रेक करना हो, मिनट स्ट्रेक करना हो और सेकंड को स्ट्रेक करना हो, तो यहाँ आवर के लिए आवर का फॉर्मूला लगाइए, मिनट के लिए आप यहाँ मिनट का फॉर्मूला लगाइए और सेकंड के लिए आप यहाँ सेकंड का फॉर्मूला लगाइए। तो आवर मिनट सेकंड, आवर मिनट सेकंड, ओके। फिर वापस आप टाइम की फॉर्मूला लगाएं और आप इनको आपस में कंबाइन करके टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन एक जब आप आवर मिनट सेकेंड हम अलग करते हैं तो मिनट और सेकेंड तो ठीक है, लेकिन आवर में प्रॉब्लम होती है कब, जब मान लीजिए आपने ओवर टाइम आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ओवर टाइम आपने कैलकुलेट किया हुआ है 37 घंटे 20 मिनट और 30 सेकेंड। अब मान लीजिए मुझे इसमें से 37 घंटे को अलग करना है, तो बोलेंगे सर अभी अभी आपने बताया आवर का फॉर्मूला, हम आवर का फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आवर के फॉर्मूला लगाते ही सिर्फ वो आपको 24 घंटे का बाद का डेट बताएगा। होता है क्या है कि आप अगर ऊपर देखें तो ये 13 घंटा 20 मिनट दिख रहा है और एक दिन दिख रहा है। इसको अगर आप जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो ये नंबर दिखेगा। तो होता है क्या है एक्सेल में कि 24 इक्वल टू 1 डे, तो वो जैसे 24 घंटे से ऊपर होता है वो कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे करें इसको हम, कि अगर 37 घंटे अगर 20 मिनट और 30 सेकेंड है तो कैसे करें। देखिए, इसमें आवर अलग करना है तो आवर के लिए तो आप सॉरी मिनट अलग करना है तो मिनट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो मिनट एग्जैक्ट अलग करता है और सेकेंड का फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आवर में, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसको सिलेक्ट कीजिए और इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट में एच लिखिए। जी हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में, नॉर्मल एच लिखेंगे तो आपको 13 अलग करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में एच लिखिए और ये आपका 37 दिखा देगा। ठीक है राकेश जी, राजेश जी, तो इस तरह से अलग करते हैं। अब बात करते हैं टाइम में कुछ ऐड करने की। अगर 10 मिनट 30 सेकेंड और 30 मिनट और 44 सेकेंड के अंदर में मुझे अगर 1 घंटा 20 मिनट जोड़ना है, तो आप 1 घंटा 20 मिनट ऐसे लिखा हुआ है तो कुछ मत कीजिए, इनमें प्लस कर दें, आपका ऐड हो जाए। मुझे मान लीजिए मुझे 30 मिनट जोड़ने हैं या मान लीजिए मुझे 45 मिनट जोड़ने हैं, तो अगर टाइम फॉर्मेट में अगर आपका है इंटरवल तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 45 को नंबर फॉर्मेट में लिख दिया, 45 मिनट है बट इन द नंबर फॉर्मेट, और हमने जैसे बताया कि 24 आवर इंटू 1 डे, तो यहाँ पे 45 अगर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 45 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर करके ऐड करेगा, जो कि आपका गलत रिजल्ट हो जाएगा।
ऐसे केसेस में हम ये टाइम का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, हम टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं कि इसमें प्लस टाइम और जीरो जीरो आवर 45 मिनट और 0 सेकेंड, तब जाके हमारा एग्जैक्ट टाइम आता है। अब टाइम फॉर्मूले में डिफरेंस की बात करें कि मान लीजिए मैं सुबह ऑफिस गया और रात में 8 बजे हम ऑफिस से वापस आए, तो हमने कितना देर काम किया? तो कुछ नहीं, लेटेस्ट टाइम माइनस सॉरी ओल्डेस्ट टाइम आपका डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों सेम डे का होना चाहिए। अगर आपने ऐसा बोला कि मैं सुबह में दोपहर में 2 बजे ऑफिस गया और शाम को रात को 3 बजे में ऑफिस से वापस आया, अब यहां पे हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता है। इसलिए क्या करें, इसके लिए मुझे दो तरीके करने होंगे, डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना होगा, मतलब कि आज जो तारीख है वो तारीख है 2/12 दोपहर के 14 बजे और 3/12 सुबह के 3 बजे, और फिर हम लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम लगाएंगे और मुझे मेरा आवर मिल जाएगा। फॉर्मेट में नहीं आया तो फॉर्मेट में कर लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब आपके पास डेट टाइम अगेन डेट एंड टाइम है, मतलब कि यहां पे 2 तारीख को गए दोपहर के 14 बजे, 3 तारीख को आए इवनिंग के 3 बजे, अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए साधारण से उपाय है, डेट एंड टाइम को प्लस कर दें, डेट एंड टाइम को प्लस कर दें और उसके बाद माइनस कर लें। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़े। प्रॉब्लम यहाँ पे 54 एग्जैक्ट नहीं है और 54 सर टाइम फॉर्मेट में नहीं है, इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो वो आपको इसमें देता है नंबर्स में, उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की कैटेगरी में छूटे हुए फंक्शंस के बारे में जो हमने छोड़ दिए हैं, मतलब कि नहीं पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। हमने डेट पढ़ा दिया, हमने डेट वैल्यू पढ़ा दिया, हमने डे पढ़ा दिया, डेज पढ़ा दिया, डेज 360 पढ़ा दिया, ई डेट भी पढ़ा दिया मैंने, ईओ मंथ आपको नहीं पढ़ाया। ईओ मंथ क्या होता है, जैसे कि मैं डेट का मैंने कोई भी दिन डालूं और मुझे इस महीने का एंड ऑफ मंथ दिख जाए कि लास्ट डेट कौन सा है, उसके लिए हम ईओ मंथ लगाते हैं और या आपका होता है मंथ, सेम महीना का चाहिए तो 0 कीजिए, नंबर में आया तो इस पे टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कर, सॉरी डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर लीजिए। अब 1 कर देंगे तो क्या होगा, ये अगले महीने की लास्ट डेट दिखाएगा, 2 करोगे तो उसके अगले महीने की, 3 करोगे तो 3 महीने बाद की, और इसको माइनस में करोगे तो प्रीवियस। तो ईओ मंथ फॉर्मूला सिलेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग लास्ट डेट दिखाता है उस महीने की, क्योंकि हर महीने का डेट अलग अलग होता है लास्ट, किसी का 20 होता है, किसी का 28 होता है, किसी का 29 होता है, किसी का 31 होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, डेट ला सकते हैं। माइनस करोगे तो वो पीछे की तरफ बढ़ेगा और प्लस करोगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है सर। ईओ मंथ के बाद हम बात करते हैं, आवर डाल लिया, हमने वीक नम का फॉर्मूला पढ़ाया था, आईएसओ वीक मिनट मंथ नेटवर्क डेट नेटवर्क आइडेंटिटी नाउ करेंट डेट एंड टाइम देता है, जैसे टुडे डेट देता है, नाउ करेंट डेट एंड टाइम देता है, सेकेंड बताई दिया टाइम। हाँ, जैसे डेट वैल्यू है ऐसे अगर टाइम को अगर आपने लिख दिया
टेक्स्ट में तो टाइम वैल्यू फॉर्मूला लगा सकते हो एंड इसके ऊपर टाइम लगा। अब एक चीज समझ में नहीं आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेट वैल्यू, टाइम वैल्यू और वैल्यू तीन फॉर्मूले दिए हैं। अब वैल्यू फॉर्मूला तीनों पे वर्क करता है, ठीक है सर। अगर आपके पास डेट है तो डेट पे भी, अगर डेट को अगर आपने टेक्स्ट में लिख दिया उस पे भी आपका वैल्यू फॉर्मूला सेम वर्क कर। सेम वर्क करता है, पता है तीन अलग अलग फॉर्मूले क्यों दिए, इस पर रिसर्च करना होगा सर। टुडे फॉर्मूला सिस्टम में दिखाता है, वीक डे मैंने बताया आपको, और आपका वीक नाम भी बताया था कल क्लास में, वर्क डे बताया था, वर्क डे एंड डे बताया था, ईयर भी बताया था। अब लास्ट जो फॉर्मूला बचता है ईयर फ्रीक्वेंसी के बचता है। मान लीजिए कि मैंने 1 जनवरी का काम शुरू किया और आज इसको हम खत्म कर रहे हैं, मुझे हमारे पास पूरे साल की बात हुई थी कि भाई पूरे साल आपको काम करना है तो आपको 50 लाख का बिल हम देंगे, या 55 लाख मांगेंगे, 5 लाख का बिल हम देंगे। तो 5 लाख का जो बिल है, अब मैंने तो आज ही काम छोड़ दिया, महीना तो पूरा हुआ नहीं, तो हम 5 लाख की बिलिंग तो नहीं कर सकते ना। तो हमें पता करना है कि हमने कितना परसेंट ईयर का काम किया है। तो उस केस में हम ईयर फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, वो 365 दिन के अकॉर्डिंग बता देगा। तो ईयर लगे, ईयर फ्रीक्वेंसी करना था, स्टार्ट डेट एंड डेट, और ये बता देगा आपको कि आपने 91.944444% किया है, तो परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो मुझे अगर 5 लाख रुपए का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, तो मुझे जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके अपना बिलिंग निकाल लेंगे, ठीक है सर। इसको एक बार फिर बताइए, समझ में तो थोड़ा कम ईयर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जो कि 2 डेट के पीरियड के अकॉर्डिंग साल के हिसाब से बताता है कितना परसेंट ईयर यूज हुआ है। आया। ओके दोबारा एक क्या करता है, सिंपल सा काम क्या करता था वो, ये क्या करता है कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, और फिर ये 365 डेट निकालता है और फिर इसको डिवाइड कर देता है, करेक्ट, 360 फॉर्मूला ठीक है ना। परसेंटेज आ गया। ओके ठीक है। अब जो है हमने दो कैटेगरी का फॉर्मूला कंटिन्यू खत्म किया है, पहला हमारा टेक्स्ट का, दूसरा हमारा डेट एंड टाइम का, ठीक है। अब टाइम है कि छोटा सा टेस्ट आप लोगों से लिया जाए ताकि पता चले कि आपने इन दोनों कैटेगरी में क्या सीखा है। तो चलिए हम टेक्स्ट फाइल आपको भेजते हैं।